हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो वीडियो कलिंग सहायक उत्तराखंड पीसीएस उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? तो समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राचीन शैल चित्रों वाली लख्यू गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो लख्यू गुफा है, इसको स्थानीय भाषा में लख्यू डियार भी कहते हैं, ये अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए जो लख्यू डियार है, 1963 ईस्वी में जो लख्यू डियार है उसकी खोज की गई थी, और ये अल्मोड़ा के बड़े छीना के पास एक जगह है जिसका नाम दल बैंड है, वहाँ पर स्थित है। यहाँ मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ की खासियत यह है कि जो यहाँ के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये इन पर कलर भी किया गया, यानी रंगों से इन्हें सजाया भी गया है। ठीक है, तो लख्यू डियार या लख्यू गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट यहाँ पे, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह है सिनला दर्रा। नेक्स्ट यहाँ पे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए दोस्तों, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र का मतलब होता है कि तांबे की प्लेटें। ठीक है, तो जो इन पर जो भाषा लिखी गई है वो पाली भाषा लिखी गई है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पांडुकेश्वर है, ये चमोली जिले के जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पांडुकेश्वर एक जगह है, वहाँ पर ये ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा जो स्थापित की गई जो तितलियों का संग्रहालय है, ये भीमताल में है। और जो भीमताल है वो कहाँ है? ये नैनीताल के पास स्थित है। और देखिए दोस्तों, जो भीमताल है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, भीमताल से भी, कि जो भीमताल है ये त्रिभुजाकार है, और भीमताल के पास क्या है, एक इसके बीच में एक टापू है, ठीक है, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। और देखिए, जो ये मसूरी लाइब्रेरी स्टेशन है, ये मसूरी में ही स्थित है, माल रोड के पास है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे, कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो यहाँ पर जो बोक्सा जनजाति है, ये किसकी पूजा करती है? भूसेन देवता की पूजा करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द्वाराहाट में स्थित ध्वज मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो द्वाराहाट है, द्वाराहाट जो है प्राचीन काल में जो कत्यूरी राजा थे, इनकी राजधानी थी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर गुजरदेव मंदिर है। ठीक है, इसे ही ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो हुआ था वो 9वीं सदी में किया गया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल है, इसके लेखक आर एस टोलिया हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो आर एस टोलिया हैं, ये पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और इनकी जो ये पुस्तक है, ये उत्तराखंड प्रशासन के इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है पूछता है ये, कि जो ब्रिटिश कुमाऊँ का गढ़वाल है, ये किससे संबंधित है? तो ये उत्तराखंड के प्रशासन एवं इतिहास से संबंधित है। और जो आर एस टोलिया हैं, ये कौन है? ये IAS अधिकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है, ये देहरादून में भी स्थित है और अल्मोड़ा में भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड जो विधानसभा है, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? देखिए, पटवारी में पूछा गया था 2016 में। तो देखिए, जो बद्रीनाथ जो धाम है, इसके कपाट खोलने की जो तिथि होती है, वो बसंत पंचमी के दिन निश्चित की जाती है। तो
तथा जब कपाट बंद करने की घोषणा जो है वो विजयादशमी के दिन की जाती है। कपाट खोलने की तिथि कब की जाती है निश्चित, ये बसंत पंचमी को, और बंद करने की विजयादशमी को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड स्कूली शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ है, तो ये है रामनगर नैनीताल में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे तिलारी नरसंहार घटना कब घटित हुआ था, तो देखिए दोस्तों जो तिलारी नरसंहार घटना है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान टिहरी जनपद में 30 मई 1930 ईस्वी को तिलारी नरसंहार घटना घटित हुई थी। और देखिए दोस्तों इसमें 70 लोग मारे गए थे, ठीक है 70 लोग मारे गए थे। तो कहाँ पे हुई थी पूछ सकता है, तो ये हुई थी टिहरी में। कब हुई थी 30 मई 1930 में, और कितने लोग 70 लोग इसमें मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत खंड संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए दोस्तों जो भारत खंड संगीत महाविद्यालय है ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है, तो साधुओं के शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो ऋषिकेश को साधुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कोठार बांध किस नदी पर स्थित है, तो देखिए कोठार बांध जो है वो रामगंगा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे कीसा बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये है टोंस नदी पर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खेरा ताल कहाँ पर स्थित है, तो देखिए दोस्तों जो खेरा ताल है ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जो हर्बल शोध संस्थान है ये गुप्तेश्वर, ठीक है चमोली जिले के गुप्तेश्वर में स्थित है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।